कक्षा 11वीं में राजनीति शास्त्र में हम शांति वाला पाठ हमारे चल रहा था, जिसका जो अगला भाग है वो आज हम उसका अध्ययन करेंगे कि जो शांति स्थापित करने के लिए या जो शांति के लिए जो समाज में जो संरचनात्मक हिंसा होती है उसके विभिन्न रूप जिसके कारण अशांति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम संरचनात्मक हिंसा की विभिन्न तो पहला रूप है जाति भेद। ये जो परंपरा से चला आ रहा है सदियों से कि जो कुछ जातियों के साथ छुआछूत जैसा भेदभाव किया जा रहा था, और लेकिन जब हमारा भारत देश आजाद हुआ और उसमें छुआछूत के लिए एक नियम बना, गैर कानूनी एक कानूनी नियम बनाया गया, तो उसके बाद से फिर हमारे यहाँ ये जाति भेद की जो प्रथा थी वो समाप्त हो गई। दूसरी है लैंगिक हिंसा। भारत में आज भी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और जो फीमेल वर्ग है स्त्रियों से भेदभाव किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या, लड़कों और लड़कियों की लालन पालन में भेदभाव करना, बाल विवाह, पत्नी को उत्पीड़ित करना, दहेज संबंधी कार्यस्थल पर भेदभाव करना महिला और पुरुष के बीच में, परिवार के सम्मान के नाम पर स्त्री हत्या, और कई जगह मतलब स्त्रियों को उपेक्षित महसूस करवाया गया। यही कारण है कि भारत में जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर 233 महिलाएं पाई गई, जो इस बात का सूचक है कि लड़कों की चाह में जो बालिका भ्रूण हत्या का परिणाम ही हुआ ये लैंगिक हिंसा। फिर है नस्लवाद। नस्लवाद में विभिन्न नस्लों के बीच में भेदभाव पूर्ण व्यवहार करने, भारत में ही नहीं दूसरे अन्य देशों में अमेरिका में जैसे अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा थी, वहां पर गोरे और काले में भेदभाव किया गया। दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद की नीति अपनाई गई, और हिटलर के समय तो यहूदियों जो नस्ल के लोग थे उनको तो वहां पर रहने के लिए भी व्यवस्था मतलब स्थान नहीं दिया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया। और पश्चिमी देशों में अभी भी नस्ल भेदभाव जारी है, और एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों के अप्रवासी होते हैं, मतलब इनको समुचित आवास नहीं मिल पाता है, इनको राष्ट्रीयता नहीं मिल पाती है और ये अप्रवासी लोग हैं। इसका जाति भेद, लैंगिक हिंसा, नस्लवाद, फिर है सांप्रदायिक दंगे। विभिन्न संप्रदायों के बीच में हमारे भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल में सांप्रदायिक दंगे हुए और बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उपनिवेशवाद, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा भारत वर्ष है, क्योंकि हमारे आजादी के पहले दूसरे देश ने उपनिवेशवाद कर लिया था, उपनिवेश कर लिया था, और उसी के कारण ही विभिन्न देशों में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इसी का परिणाम है कि उन्होंने अपना साम्राज्य गलत ढंग से स्थापित किया था, गुलाम बना के रखा था। तो इस प्रकार लोकतंत्र का पतन हुआ, उग्र राष्ट्रवाद का पुनर्जीवित होना, हिटलर की आक्रामक नीति और राष्ट्र संघ की विफलता, ये सब उपनिवेशवाद के कारण हुआ। उपनिवेशवाद मतलब किसी के देश के हिस्से के कुछ हिस्सों में अपना आधिपत्य जमाना, ये कहलाता है उपनिवेशवाद। जैसे भारत में अंग्रेजों का उपनिवेशवाद रहा कुछ क्षेत्रों में। फिर एक रूप है आतंकवाद, जो कि अभी वर्तमान में हमारे आप देख रहे हैं कश्मीर में हमारे पड़ोसी देशों के आतंकवाद का भय रहता है। अरब इजराइल, यहाँ पर भी आतंकवाद का बहुत जोर है। इजराइल, फिलिस्तीन,
ने अपने ही साधनों के लिए कभी ना कभी आतंकवाद का सहारा लिया और कश्मीर घाटी में भी पड़ोसी देशों द्वारा आतंकवादी काफी सक्रिय है। आतंकवादी घटनाओं में आत्मघाती हमले भी करवाए जाते हैं। आप देखते हो कि 1911 में अमेरिका पर जो हवाई जहाज के द्वारा एक आत्मघाती हमला किया गया था विमानों के द्वारा, कार विस्फोट भी होता है, और उन्होंने क्या किया था 11 सितंबर 2001 में 4 विमानों का अपहरण किया और उनका इस्तेमाल व्यापक पुनर्संहार के लिए किया मुख्य सिटी के अंदर। जब हिंसा होती है तो हिंसा के साथ साथ भौतिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही एक मनोवैज्ञानिक मन में एक खटास उत्पन्न हो जाती है और ये जो शिकायत होती है लंबे समय तक रहती है विभिन्न समुदायों द्वारा मन में रखी रहती है, एकदम से उसका कहना चाहिए उभर के आता है। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भड़की हिंसा से उपजी शिकायत है। जब हमारा भारत देश का क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो उस समय जो सिख मुस्लिम हिंदू जो दंगे हुए हैं उनकी संपत्ति का बंटवारा, उनके शरणार्थी की समस्या आदि, वो आज भी हमारे पास समस्या उत्पन्न है। इस प्रकार हमें जैसे भारत और पाकिस्तान की भी समस्याओं को हल करना है तो हमें हर तबके के लोग के बीच अधिक संपर्क को प्रोत्साहन करना चाहिए। फिर है हिंसा किस प्रकार समाप्त की जा सकती है। ये यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है। यूनिसेफ शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसको शॉर्ट में बोलते हैं। उन्होंने बताया कि युद्ध का जो विचार है आरंभ लोगों के दिमाग में होता है तो इसका हल भी लोगों के दिमाग में ही होना चाहिए। अधिकतर जो युद्ध के कारण होते हैं वो मनोवैज्ञानिक ही होते हैं। आधुनिक निरोगकारी तकनीक और मनोविश्लेषण जैसी चिकित्सा पद्धतियां भी ये युद्ध को क्या कर सकती है, हिंसा को रोक सकती है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी युद्ध की विभीषिका हुई, हिंसा की जो विभीषिका हुई तो अब विश्व ने झेला और अब वो क्या चाहता है, शांति स्थापना करना चाहता है और शांति के नए नए तरीके खोजता है जिससे लोगों के मन में पारस्परिक प्रेम सौहार्द उत्पन्न किया जा सके। तो हम देखते हैं कि हिंसा की जो शुरुआत होती है, अभी यूनिसेफ में कहा गया, मस्तिष्क से ही नहीं बल्कि इसकी जड़ें भी सामाजिक संरचनाओं में समाहित होती है। तो हमें देखना है कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे एक बार प्रयोग कर लिया जाए। इसे शांति बनाए रखने के लिए हमेशा हर क्षण हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। सदाचार, सत्य, निस्वार्थ सेवा, मतलब एक अच्छे नैतिक गुण होने चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, व्यक्ति के मन वचन और कर्म में सत्यता होनी चाहिए, मतलब मन में कुछ है और हम युद्ध की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो शांति का जो संबंध है वो इसका मतलब ये होता है कि निर्धनता दूर की जाए तो हमें सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चालू करते हैं वृद्ध लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए, ताकि उनके मन में किसी प्रकार की हिंसा के भाव ना आए, असमानता उत्पन्न ना हो। तो हमारा ये सरकार का कर्तव्य है कि समाज में सभी को रोजगार मिल सके। क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? तो शांति के लिए हिंसा आवश्यक है, किसी ने कहा, किसी ने बोला हिंसा आवश्यक नहीं है, किसी ने ये भी बोला कि तानाशाही और जो बहुत ज्यादा आक्रामक मतलब जो मुखिया है उसको हटाने के लिए कभी कभी हिंसा आवश्यक भी रहती है। तो ये दोनों में पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में आपको बताएंगे कि हिंसा आवश्यक है कि नहीं। तो पहला पॉइंट है शांति के लिए हिंसा आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे तानाशाहों और पीड़कों को
जबरन हटाकर जनता को जो निरंतर नुकसान पहुंचाते हैं उनसे रोक सकते हैं, या जो बहुत लोग या जो समाज या जो वर्ग बहुत उत्पीड़ित हो चुका है तो वो मुक्ति संघर्षों को हिंसा के इस्तेमाल के बाद न्यायपूर्ण ठहराया जाता है। तो अच्छे मकसद से हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है। एक बार शुरू हो जाने पर उसकी प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाती है और यह अपने पीछे मौत और बर्बादी की श्रृंखला को देती है। तो कुछ विद्वानों ने बोला कि हिंसा जरूरी है और किसी ने बोला कि हिंसा आवश्यक नहीं है। कई व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हमें शांति मतलब करना है, प्रतिरोध करना है, तो हम उसमें अहिंसक तरीके अपना सकते हैं जिसमें हिंसा ना हो। हिंसात्मक तरीके अपनाने से राष्ट्रों के बीच हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है। लोग हथियार अपने लिए सुरक्षित रखते हैं और उसका हिसाब देना पड़ता है कि हमारे पास इतने परमाणु बम बुरा हथियार है, ताकि उस डर से भी लोग क्या करते हैं, आक्रमण करने से पहले सोच लेते हैं कि इनके पास इतने ज्यादा हथियार है, सशस्त्र हथियार है। तो हथियारों की होड़ में मानव ने सभी सीमाएं तोड़ ली है और सभी ने अपने पास जैविक हथियार क्या कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। यदि होता है तो वो मानव जाति और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। तो हमें आप उससे क्या होगा कि जो लोग मतलब जिन लोग जिसमें शामिल भी नहीं है उस लड़ाई में उनको भी बहुत नुकसान पहुंचता है। तो हमें आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अहिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। गांधी जी ने कहा भी था कि बिना हिंसा किए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने की अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अनुचित कानूनों को अहिंसित तरीके से तोड़ा गांधी जी, और दूसरे देश में मार्टिन लूथर किंग ने भी अमेरिका में गांधी जी की प्रेरणा से शांत काले और अमेरिका में जो काले लोगों के साथ भेदभाव व्यवहार हो रहा था उसके विरुद्ध 1960 में एक लड़ाई भी लड़ी। हिंसा तरीके अन्याय को समाप्त तो कर देते हैं लेकिन उसका नतीजा कभी कभी बहुत बुरा होता है, वही मन में बाद में उपयोग में आता है। जैसे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करके अल्जीरिया को देश है फ्रांसीसी उपनिवेश वास्ते 1962 में मुक्त करवा लिया, मतलब उस समय करवा तो लिया लेकिन बाद में शासन का जल्द ही निरंकुश बाद में क्या हो गया, पतन, तानाशाही वहां हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शांति से अहिंसा से जो कार्य करवाया जाता है वो हमेशा के लिए होता है, और जो तुरंत हिंसात्मक पूर्वक जैसे देखिए आप 1962 में अल्जीरिया मुक्त तो हो गया लेकिन बाद में वही अपने ही जाल में फंस के उसका क्या हो गया, पतन हो गया। शांति और राज्य सत्ता, राज्य का अर्थ यहाँ निकल रहा है राष्ट्र, कि राष्ट्र अपने को पूर्ण स्वतंत्र और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है और अपने हितों को अपने दृष्टिकोण से देखता है और अपने हितों को बचाता है और बढ़ाने की प्रवृत्ति करता है। तो शांति का अनुकरण करने के लिए जरूरी है कि हम स्वयं को बेहतर मानवता के रूप में देखकर मतलब बड़े रूप में देखें, सभी मानव जाति के बारे में विचार करें। अलग राज्यों में लोगों में फर्क करने की देखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अपने नागरिकों के हितों के नाम पर वे अक्सर बाकी लोगों को ऐसा रहता है कि हमें अपने ही देश के अपने ही राज्य के लोगों का हित देखना है, दूसरों का नहीं देखना है। तो क्या होता है कि इससे अशांति और एक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हर देश ने हर राज्य ने अपने को सुरक्षित करने के लिए अपने
अस्त्र शस्त्र उपकरणों को बहुत मजबूत कर दिया है, और चाहे वो थल सेना हो या जल सेना हो, वायु सेना है, और वो उसका प्रयोग करके नागरिकों की सुरक्षा के लिए करता है। लेकिन व्यवहार में शक्तियों का प्रयोग अपने ही नागरिकों के विरोध के स्वर को दबाने के लिए भी कर सकता है। विश्व अलग अलग, विश्व में वर्तमान में जितने भी देश हैं अधिकतर सबकी अपनी अपनी संप्रभुता है, और यदि वो शांति के रास्ते में अवरोध उत्पन्न होते हैं, यह निरंकुश शासन में म्यांमार जैसी सैनिक तानाशाही में सबसे अधिक स्पष्ट है। तो तानाशाही से किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। स्थायी समाधान लोकतंत्र में संभव है, इसमें सत्ता मतलब जो सरकार है वो ज्यादा जिम्मेदार होती है, और लोकतंत्र में शांति की सुरक्षा की संभावना अधिक होती है। मतलब यहाँ का सार यही है कि हम शांति स्थापित करने के लिए अहिंसक साधनों का प्रयोग करें तो हमें स्थायी रूप से शांति प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।